नमस्कार विनोदों, मेरा नाम है विनोद, आप देख रहे हैं विनोद, तो चलिए विनोद करते हैं। हाय दोस्तों, मैं देव आप सभी का माइनक्राफ्ट की एक न्यू वीडियो में स्वागत है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मेरे चैनल पे आती रहती है, प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। और मेरा पीसी एकदम ख़राब हो चुका है, वैसे डेड नहीं हुआ है। एक बंदे ने व्हाट्सएप में मुझे कमेंट किया, मतलब मैसेज किया था कि RIP और PC, यार अच्छा नहीं लगता आप ऐसे बोलते हो, इतनी मेहनत से मैं लेके आया अपना PC और आप ऐसे बोल रहे हो RIP, इतना तो मैं भी समझता हूँ यार थोड़ा बहुत। तो कोई नहीं, सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो, बट ऐसे नहीं बोलते। तो कोई बात नहीं, आज अपन कहें टॉक्सिक एसिड ब्लॉक। और ये विनोद क्या है यार, मेरे को खुद को समझ नहीं आ रहा क्या चीज़ है ये। तो ये विनोद अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, मैंने YouTube के ट्रेंडिंग पेज में देखा तो विनोद कहाँ भी देखो वहाँ हर जगह विनोद कमेंट में आ रहा है। तो आपको पता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और मैंने भी ऐसे ही मतलब फ़न के वे में एक सॉन्ग अपलोड किया था, और वैसे मेरे को भी नहीं पता कि विनोद है क्या, लिटरली मेरे को खुद को नहीं पता ये क्या चीज़ है, बट मैंने ऐसे ही कर दिया मतलब अपलोड एक वीडियो ऐसे ही वो मजाक में। और ये टॉक्सिक एसिड ब्लॉक है, इसके अंदर जब पानी में आप मतलब जाओगे तो मतलब आपको डैमेज मिलेगा और आप मर जाओगे, मतलब ये पूरा एसिड है। और आपको 4-5 आइलैंड मिलेंगे, एक ऊपर हेलीकॉप्टर है, मतलब हेलीकॉप्टर है एक ऊपर की साइड, एक आइलैंड भी है ऊपर की साइड। तो आपको पूरे को यहाँ पे क्विस्ट है, मतलब आपको पजल टाइप है, तो इन पजल को सोल्व करना, वैसे वैसे सर्वाइव करने जा रहा है। और इसमें 72 पजल है, उन सभी को सोल्व करना है और आगे सर्वाइव करना है और मतलब इस्केप करना है इसको पूरी गेम को। तो ये अब करते हैं। और एक बोर्ड मिला है, इस बोर्ड पे क्या करना है, इससे शायद अपन को एक बुक मिलेगी जब अपन क्राफ्टिंग टेबल बनाएंगे, तो ये क्राफ्टिंग टेबल के अंदर रखना है और तब जाकर अपन को एक बुक मिलेगी, और बुक को अपन खाएंगे तो एक बुक और मिलेगी, ऐसी कुछ है। तो अपन को रीड बुक मिली है, इसमें देखते हैं क्या है इन्फॉर्मेशन है। तो इसमें अपन को ये मतलब सब्सक्राइब को ऐसे लिख रहा है, तो इसमें जाना है 1-1 पे जाना है, 1-1 पे जाना है। और यहाँ से 1 पे आ चुका हूँ मैं शायद, बस यहाँ से खोदना स्टार्ट करता हूँ और मुझे यहाँ पर एक चेस्ट मिलेगी। तो यहाँ पे 1-1 पे मुझे खोलना है, तो यहाँ पे मुझे एक चेस्ट मिलेगी, उस बुक में ऐसे ही लिख रखा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लोकेशन में देख लेना, ये जो आती है ना 1-1, यहाँ पे 1-1 यहाँ पे मिलेगी मुझे, एक चेस्ट मिलने वाली है, शायद बैरियर मिलेगा। तो यहाँ पे नहीं है अभी बैरियर, इसे मिल जाना चाहिए था। अभी एक बार एक ब्लॉक और तोड़ के देखता हूँ, तो ये मिल गया बैरियर। इस बैरियर के अंदर अपन को बहुत सारी चीज़ें मिलेगी जिससे अपन आगे सर्वाइव कर पाएंगे, और इसमें बहुत सारे मोड लगे हुए हैं। तो इनमें देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, और इनमें बहुत सारे मोड लगाए हैं अगले बंदे ने, बहुत सारे मोड हैं। तो लिटरली मैंने आज तक ऐसा मोड नहीं देखा, मतलब जिसने मोबाइल में इतने सारे मोड लगा रखे हैं। तो यार इसमें अपन बहुत सारे एग भी क्राफ्ट कर सकते हैं, बहुत चीज़ें क्राफ्ट कर सकते हैं, मतलब सभी चीज़ें, मतलब सैपलिंग भी क्राफ्ट कर सकते हैं इसके अंदर, और बहुत सारी इसमें मैजिक भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब आपको अगर आप कंटिन्यू रखना चाहो तो इस पर लाइक कर दो। और एक चीज़ और बतानी थी आपको, और इस वीडियो पर 10,000 व्यू आ गए तो मैं अपने चैनल का नाम बदल कर विनोद करने वाला हूँ। लिटरली मेरे को मैंने ऐसी किसी वीडियो पर देखा था, वो भी ऐसे बोल रहा था, तो मैंने भी सोचा मैं भी ऐसे बोल के देखूँ। अगर 10,000 व्यू आ गए इस मतलब वीडियो पे तो मैं पक्का अपने चैनल का नाम चेंज करके विनोद कर दूंगा, 101% पक्का। आप व्यू लाओ 10,000, शेयर करो अपने दोस्तों में, मैं पक्का अपने चैनल का नाम बदल के विनोद करने वाला हूँ। और ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें दी, मुझे तो खुद को इनका यूज़ नहीं पता। और इन बुक में बहुत सारी पजल हैं, मतलब पजल को सॉल्व करना है, मतलब इसमें पूरे स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं आपको क्या करना है। इसने अभी बोला कि अभी अपने ट्री को चॉप डाउन करो, और फिर मतलब क्या करना है, और फिर वीट उगानी है। तो ये सारा सामान रख देता हूँ एक बार इस चेस्ट के अंदर, तो अब जल्दी से सारा सामान इस चेस्ट के अंदर रख देता हूँ, और स्टेप बाय स्टेप मैं पूरी जिसमें बुक में लिख रखा है वैसे फॉलो करूँगा। तो बुक में देखते हैं नेक्स्ट चीज़ क्या है। और ये बुक मिली है मुझे, तो ये तो बस इसमें कुछ भी नहीं है, ऐसी है बकवास, इसके अंदर लिख रखा है सारी चीज़ें। और तो इसके अंदर ये है पजल, मतलब ये सारे फॉलो करनी है, तो रीड बुक करनी है, क्लियर ग्रास करनी है, अपने ट्री को चॉप करना, और वीट उगानी है। तो अब नेक्स्ट चीज़ अपने को वीट ही उगानी, और तो क्या है इसमें 10 पेज है, तो ये भी कोई काम की चीज़ नहीं है, इन बुक को खा भी सकते हैं। और ये तो वही है 1 पे जाके अपन को एक चेस्ट मिलने वाली थी, तो ये 1 वाली तो कर ली है मैंने पजल सोल्व। तो अब नेक्स्ट देखते हैं और क्या चीज़ है। ओ तो यार अभी तो अब इनको क्या एक मतलब क्राफ्टिंग टेबल बनानी है, तो जल्दी से क्राफ्टिंग टेबल बनाते हैं। और इस मतलब
फिर अपन को एक बुक और मिलेगी और उससे आके सर्वाइव कर पाएंगे। तो जल्दी से इसको क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ मैं, जल्दी से क्राफ्टिंग टेबल बना लेते हैं। तो इनको पहले प्लैंक बनाओ, फिर प्लैंक को ऐसे रखो, और इसमें बहुत सारे मॉडल, लिटरली बहुत सारे मॉडल जो आपने पीसी में देखे होंगे ना, वो उस बंदे ने इस मोबाइल में बना के दिखाया है, और लिटरली बहुत अच्छा मोड बनाया है। तो आप कंटिन्यू रखना चाहो तो प्लीज़ वीडियो सपोर्ट आया तो मैं कंटिन्यू रखूँगा, 101% रखूँगा, और 10,000 व्यू आ गए तो मैं पक्का अपने चैनल का नाम बदल के विनोद रखने वाला हूँ, 101%। तो इनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अपन क्राफ्ट कर सकते हैं, वीट कर सकते हैं, मतलब सीड भी क्राफ्ट कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें। बट अभी मैं देख सकते हो इसने ये बोला कि इस बुक को भी खाना है, तो इस बुक को खाएंगे तो अपन को दूसरी एक बुक मिलेगी। तो जल्दी से इसको ईट कर लेते हैं, खा लिया, एक बुक और मिल गई है। तो रीड पे दबाते हैं और देखते हैं इस बुक में क्या चीज़ है। आई डोंट नो कि इस बुक में क्या चीज़ है। तो इसमें 11 पेज हैं और इसमें वांट टू मेक ए न्यू पजल्स, ऐसे छोड़ो इसमें कुछ नहीं है, ऐसी बकवास चीज़ें हैं इसमें लिख रखा है इसके बारे में। तो मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ सारे पेज। तो इसमें अपने बारे में लिख रखा है और सिंपल अपडेट दिस एड पैक, बकवास चीज़ें हैं। चलो आगे छोड़ो इसको। और ये इसमें देख सकते हो कुक, अपन एप्पल कुक कर सकते हैं, कैरेट को भी कुक कर सकते हैं, रोटन को कुक कर सकते हैं, ब्लॉक इसमें कंप्रेस डबल है, ट्रिपल है, मतलब कंप्रेस भी कर सकते हैं। और आइटम, ए न्यू आइटम, बहुत सारे न्यू आइटम ऐड किए गए इसमें। तो लिटरली बहुत अच्छा मोड है, एक बार ट्राई ज़रूर करना। आपको अच्छा लगे तो एक हिट लाइक करके जाना, और नीचे इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो अब सेकंड अपन को वीट उगानी है, तो वीट तो अब एक बोन मील भी बना सकते हैं, इन बुक की अपन बोन मील बना सकते हैं। तो जिस जो बुक अपन ने यूज़ कर लिया उसकी बोन मील बना के अपन ट्री को चॉप कर सकते हैं, मतलब ट्री उगा सकते हैं। तो इन बोन मील को रख देता हूँ और अब बनाते हैं वीट। तो सेकंड क्या है, फार्म ट्री कर लिया। तो अब है गो टू मशरूम बायोम, पहले अपन को सीड उगाना पड़ेगा, तो पहले वीट उगानी पड़ेगी। वीट के लिए सीड अपन ने निकाल कर रख रखी है, तो उसने बोला कि वो यूज़ कर सकते हो आप, यू कलेक्ट ए सीड। तो ये ट्री को चॉप डाउन करेंगे तो ऊपर से सैपलिंग मिल जाएंगी, तो जल्दी से चॉप डाउन कर लेते हैं इसको। तो इसको चॉप डाउन करके अब सीड और वीट उगानी है, तो अब जल्दी से वीट उगा लेते हैं। वीट के लिए अपन को अपने बहुत सारे सीड पड़े हैं मेरे पास, तो मैंने ग्रास में सारी, मतलब जो भी कचरा था वो उसको हटाया था, जब मेरे को 10 सीड के मिले थे सीड, तो उनको अभी लगा देंगे और वीट उगाएंगे। तो वीट के लिए उगाने के लिए थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी और एक होई बनानी पड़ेगी। लिटरली मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो नीचे कॉमेंट में करके जाना और विनोद का मतलब ज़रूर बताना। तो अब जल्दी से इनके प्लैंक बना लेते हैं, तो बहुत सारी एक सोड भी बना लेता हूँ और एक एक्स बना लेता हूँ, और मेरे पास कोबा स्टोन भी दिए गए हैं। तो मैं एक फर्नेस भी बनाऊंगा अभी थोड़ी देर में, पहले मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा बेस बनाता हूँ वीट उगाने के लिए, तो यहाँ से थोड़ी सी डस्ट हटा दूँ क्या, वैसे उग जाएगा ये, एसिडी तो है और कुछ तो है नहीं, एसिडी तो है, हटा देता हूँ ऊपर। और थंडर बहुत ज़्यादा हो रही है, और मेरी मतलब जो वीडियो रिकॉर्डर है वो मतलब मोबाइल की वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा है, इसलिए मैं आपको गेम की वॉइस नहीं सुना पाऊँगा। अदरवाइज मैंने तो सोचा कि गेम की वॉइस भी आपको सुनाऊँ, बट ये गेम की वॉइस रिकॉर्ड नहीं करता है, सॉरी, माफ़ कर देना प्लीज़। तो अब जल्दी से इसको आगे एक्सटेंड करते हैं, थोड़ा सा वीट का फार्म बनाते हैं और वीट उगा देता हूँ मैं जल्दी से यहाँ पे। तो जल्दी करो, ये डस्ट हटाओ। तो फाइनली मैंने होई भी बना ली और यहाँ पे थोड़ा सा बेस बना दिया, अब जल्दी से वीट उगा देता हूँ। वीट के लिए सीड मेरे पास बहुत पड़े हैं तो उनको भी लगा दूंगा। तो वीट तो इसलिए उगाने क्योंकि थोड़ा फूड बार भी तो अपने ध्यान रखना पड़ेगा ना, तो इसलिए वो बोला कि वीट उगाओ थोड़ी बहुत। तो अपनी स्टेप बाई स्टेप फॉलो करना और सारी पजल सॉल्व करनी है। तो जल्दी से मैं देखता हूँ कहाँ पर वीट, अपने पास सीड है वीट के 10, तो इनको लगा देता हूँ जल्दी से। यहाँ पर लगाना है ये लगा दो जल्दी, ये भी लगा देता हूँ, जितने हो सकते हैं उतने सारे लगा देता हूँ। और पानी की तो वैसे कमी है नहीं, बट यूज़ नहीं कर सकता मैं, पानी के अंदर ही तो नहीं जा सकता। ये मोड में लगाया और ये साग कहाँ से आ गई, आई डोंट नो यार, ये साग भी ऐड की गई है इसमें, शार्क यार बहुत खतरनाक है, डॉल्फिन को क्या चीज़ बना दी है शार्क।
लिटरली ऐसी डॉल्फिन होती हैं, मतलब रियल जो सर्वाइवल होता है उसमें, और इन्होंने अभी शार्क बना दी, बट अच्छी बात है। इसलिए अपन पानी में भी नहीं जा सकते क्योंकि इसमें शार्क है और एसिड है, तो एसिड में जाने के लिए अपन को लेदर का सूट बनाना पड़ेगा। लेदर का सूट को अपन को मशरूम बायो में जाकर, वहाँ से मशरूम काउ को मारकर फिर लेदर कलेक्ट करके लाना पड़ेगा। तो इस बुक में रिलेट करता हूँ, मैंने सारी पढ़ ली है वैसे तो। और ये स्मॉल ये क्या चीज़ है, स्पाइडर, इतनी छोटी स्पाइडर, यार इतनी छोटी स्पाइडर कब से होने लग गई, और इसने कुछ दिया भी नहीं है। आई डोंट नो थंडर, पता नहीं। और वो सामने घर है उसके अंदर ऊपर क्रीपर है, पता नहीं यार क्या चीज़ बनाई है बंदे ने, बट अच्छा बनाया। तो ये पता नहीं क्या चीज़ है, इसका कुछ बनता भी है क्या? क्रोक, क्रोक बोलते हैं, वेडेड क्रोक। उस मशरूम बायो में जाना है और वहाँ पे मुझे काऊ मिलेगी, बट मुझे तो नहीं दिख रही है। तो ये कोई काम तो आता नहीं है शायद, कोई काम का नहीं है ये क्रोक। तो कोई बात नहीं, अब जल्दी से यहाँ से कोबल स्टोन निकालता हूँ और एक पिकक्स बनाता हूँ, और एक सोड नहीं, पिकक्स नहीं, एक बनानी थी मुझे, क्या बनानी थी, फर्नेस बनाना था, क्योंकि मुझे टॉर्च बनानी, क्योंकि अभी वीडियो रिकॉर्ड करूँगा तो उस टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा, तो इसलिए वीडियो रिकॉर्डिंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। तो अभी जल्दी से एक फर्नेस बना लेता हूँ, चारकोल बना लूँगा फर्नेस से। तो मुझे चाहिए 9 कोबल स्टोन, तो शायद हो जाएंगे। पिकेक्स भी बन जाएगी वैसे तो, बट ट्राई करूँगा कि एक मतलब एक बार फर्नेस ही बना लेता हूँ, फिर आके देखेंगे बाद में नेक्स्ट वीडियो में। और जिसका भी ये खेला हुआ है तो वो नीचे कमेंट करके बता सकता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करूं। वैसे मुझे तो समझ नहीं आ रहा, बट मैं ट्यूटोरियल देखकर फिर आपको पूरा गाइड कर दूंगा जितना भी हो सके। और नीचे इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके इसे डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। बहुत अच्छी वीडियो है, मतलब बहुत अच्छा मैप बनाया है जिसने बनाया ये मोड। तो एक फर्नेस बना लेता हूँ और इसको लगा देते हैं यहाँ पे। और इसमें बहुत सारी फर्नेस भी हैं, बहुत अलग अलग टाइप की चीज़ें ऐड की गई हैं। तो इसके अंदर वुड के प्लैंक रख देता हूँ, वुड के रख देता हूँ, नीचे प्लैंक रख देता हूँ, तो मुझे चारकोल मिल जाएंगे। तो जल्दी से चारकोल मिल जाए तो अच्छी बात है, थोड़ा सा टाइम लगा तो इसलिए मैं जल्दी से ट्री को भी चॉप डाउन कर लिया। और ये पता नहीं ये छोटी आंट क्या चीज़ है, ये स्पाइडर को इतनी छोटा क्यों कर दिया, और इसने ये क्या दिया है, और शार्पनेस है इसके अंदर, शार्पनेस, तो इससे शायद इनको शायद निकाल सकते हैं डायरेक्ट। हाँ ये मिल गए मुझे, 15 मिले हैं, ये क्या बोलते हैं इनको, कोई बात नहीं। तो मुझे चारकोल मिल चुका है, तो अब जल्दी से मैं इससे अपन क्या बनाने वाले हैं, टॉर्च बना लेता हूँ, जितनी हो सके उतनी टॉर्च बना लेता हूँ, और जितना जितना अंधेरा है वहाँ वहाँ लगा देता हूँ। यार वीडियो रिकॉर्डिंग में थोड़ा अच्छा हो जाए, तो अभी थोड़ी बहुत और टॉर्च बना लेता हूँ। तो इन टॉर्चों को पहले ये तो लगा दूँ एक बार जितनी हो सके, अंधेरा है यार, थोड़ा बहुत अंधेरा है, और यहाँ पे और पीछे नॉइस आ रही है, घर वाले बातें कर रहे हैं, इसलिए माफ़ कर देना। तो टॉर्च मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी है, तो अभी जितनी हो सकी उतनी लगा दी मैंने, बट अब आगे देखते हैं आगे क्या करना है। अब जल्दी से मतलब ट्री उगाने, और ट्री को उगा कर उसे एक मशरूम बायो में जाना है, तो यही है। और आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, कुक एप्पल दिखा देता हूँ, मुझे एक एप्पल मिला था, उसको कुक भी कर सकते हैं शायद, इसी के ऊपर कर सकते हैं शायद, मुझे नहीं पता। एप्पल गेरा शायद इसके ऊपर एप्पल कुक होगा, नहीं हो रहा है, इसमें तो डैमेज मिल रहा है यार। यार इसके ऊपर फिश भी तो कुक होती है यार, ये भी हो जाना चाहिए था, बट आई डोंट नो कि इससे अपन कुछ कुक कर पाएंगे। तो फर्नेस के अंदर देखता हूँ, ये देख सकते हो कुक हो सकता है, तो इससे अपन को कुक एप्पल मिलेगा। तो अभी देखता हूँ ट्राई करके कैसा एप्पल मिलने वाला है, ये बार ट्राई करता हूँ, ये बार जल्दी हो जा भाई, जल्दी 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 कुक हो जा। तो यार ये कुक एप्पल, ओ भाई साहब लिटरली, और ये खाया हुआ है। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ, ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं। खाया हुआ है यार, क्यों खाया हुआ एप्पल है, आई डोंट नो, बट इससे क्या फ़ायदा होगा, बट ये तो पता नहीं, बट दिया है तो कुछ होगा। और यार इस पानी में नहीं जा सकता, अदरवाइज मैं इन सारे आइलैंड को आज की आज ही एक्सप्लोर कर लेता। तो ट्री मेरे को थोड़ी बहुत ये चाहिए थे प्लैंक, क्योंकि मेरे को मशरूम बायो में जाना है, तो मशरूम बायो में जाने के लिए मुझे थोड़ी बहुत प्लैंक चाहिए होंगे। तो जल्दी से इनको निकाल लेता हूँ और उनके फिर स्लैब बना लूँगा। अभी तो इतने सारे रिसोर्सेज नहीं है, और मेरे पास अभी लावा भी नहीं है कि मैं कोबलस्टोन जनरेटर बना सकूँ। शायद इन आसपास के जितने भी आइलैंड है वहाँ पे दिया हो, और ऊपर की साइड एक हेलीकॉप्टर है, तो वहाँ हेलीकॉप्टर पे भी जाएंगे, बट अभी स्टेप बाय स्टेप ही बढ़ेंगे आगे, मतलब जैसा बुक में लिख रखा है वैसे ही करना है यार वैसे तो। और इस आइलैंड के बाद में वो नीचे मतलब अंडर वाटर जाने के लिए बोल रहा है, तो मैंने प्लैंक बना लिए जितने हो सके।
अब मुझे ये तो नेदर का, ये मशरूम का है और इधर विलेजर है, तो मुझे मशरूम वाले पर जाना था, गो टू द मशरूम आइसलैंड। तो यहाँ पे मुझे जाना है और मुझे लेदर लेके आना है। लेदर कहाँ से लाऊँ यार, मुझे मशरूम वाले पे तो कोई काऊ नहीं दिख रही, शायद मशरूम काऊ पे, मशरूम काऊ होती हैं उनको मार के ही कलेक्ट करना पड़ेगा। और 72 पजल है इसके अंदर, तो इन सारों को अपन को स्टेप बाय स्टेप मतलब करना पड़ेगा, और जब भी अपन आगे सर्वाइव कर पाएंगे। अब जल्दी से इनको लगाते हैं और आगे चलते हैं, और वो साँक ना आ जाए यार, नहीं तो वो अपनी इतने सारे प्लैंक मैंने निकाले थे सारे चले जाएंगे। तो जल्दी जल्दी चलते हैं, जल्दी जल्दी यार, बहुत धीरे धीरे चल रहा है यार। और ये जो नीचे दिख रहे हैं इनसे अपन मतलब बोन मील निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आ चुका हूँ मैं, और अब जल्दी से चलता हूँ, देखता हूँ यार कुछ तो दिया होगा। तो यहाँ से मेरे को वो कैसे मिलेगा यार, लेदर कैसे मिलेगा यहाँ पे, आई डोंट नो यार, लेदर कैसे मिलेगा यहाँ पे। तो मेरे को तो ये ब्लॉक ही नहीं मिल रहे, तो मैं लेदर कहाँ से लेके आऊँ यार। मशरूम आइलैंड पे आ गया, बट वो बुक में तो ऐसे लिखा था कि मशरूम आइलैंड से आपको लेदर लेके आना है। और यार पता नहीं यार, मेरे को तो बुक में जैसा लिख रहा था। वीडियो इतनी रखता हूँ, आप नीचे कमेंट कर बताऊँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या कर सकता हूँ। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बाय बाय, टाटा, सी यू, बाय बाय। लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना, बाथरूम जाने नहीं भूलते ना, ये भी मत भूलना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काला कौवा काटेगा। बाय।